नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। रामनगर में मंगलवार की सुबह ग्राम ढिकुली क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास कराए तो मृतक की शिनाख्त मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी विजय कुमार के रूप में हुई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मृतक ढिकुली क्षेत्र में घोड़े चलाने का काम करता था। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। क्या नाम है आपका? किरण। आप लोग अस्पताल हैं, क्या है मामला? भैया किस आए हैं, एक्सपायर हो गए भैया को मार दिया उन लोगों ने। यामीन ने? किन लोगों ने? ढिकुली वालों ने। ढिकुली में कौन लोग हैं? क्या यामीन, यामीन की औरत ने, यामीन की लड़की ने। क्या करते थे ढिकुली में? घोड़े चलाते थे। क्या नाम है भाई का? विजय कुमार। कहाँ भी इसकी इलाज आज? कोसी पे। कहाँ कोसी? लदुआ में। हाँ। कब से गायब था? गायब तो कल से, तो कल तो घटता है, काम पे गया था, रात को नहीं आया था वो। रात को घर आ जाता था? हाँ, रोज जाते थे, घर के आते थे। तुम्हारा शक है कि उन लोगों ने मारा उसे? हाँ, उन्होंने मारा उसको, क्योंकि उनका ही शादी की बात चल रही थी ना उसकी, तो उनका खर्चा पानी बंद हो जाता है, उसकी शादी हो जाती तो इस वजह से उन्होंने मार दिया कि हमारा खर्चा पानी निकल रहा है। तो तुम्हारे भाई की उसकी लड़की से संबंध है? हाँ, संबंध है उसके। यामिनी की लड़की? वो खुद वो ऐसा धंधा करती है, वो और ऐसे भी लड़कियों में उन्होंने इसी धंधे पर लगा रखा उन लड़कियों को। तो अब क्या चाहते हो? अब इंसाफ चाहते हैं उसके लिए, उसको पकड़ के लाओ, यहाँ आएगी जब हम डेड बॉडी कुछ करेंगे उसका। जितनी डेड बॉडी मिली है परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। देखिए, आज ढिकुली में विजय कुमार नामक व्यक्ति जो इंदिरा नगर रामनगर का रहने वाला है, उसकी उम्र 26 साल है, उसका एक शव बरामद हुआ है और प्रथम दृष्टया उसकी आत्महत्या नुआन से पीने से आत्महत्या की जानकारी हो रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। में मंगलवार की दोपहर ग्राम ढिकुली क्षेत्र में एक युवक का शव पड़े होने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मृतक के परिजन इस युवक की हत्या का आरोप कुछ लोगों पर लगा रहे हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ढिकुली क्षेत्र में जो 26 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है, रामनगर के इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है और ग्राम ढिकुली में घोड़े चलाने का काम करता है। उन्होंने बताया कि आज सुबह इसका शव बरामद हुआ है, सबका पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोतवाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, क्योंकि मृतक के शव के पास एक विषैले पदार्थ की खाली शीशी भी बरामद हुई है। फिलहाल उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू पर जांच में जुटी हुई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। ये थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।